and 4 crore, sir. Is it not Shri a huge Arun amount? Singh ji. Sir, is it not more than double? Shri Arun is Singh it not ji. More than double? Shri Arun Singh ji. Okay, sir. Sir. Thank you very much, sir. I have not spoken from this house, but I have just hardly begun my speech and I am wiping up. सर हमारे दोस्त और मित्र बहुत ही अच्छे बातें रख रहे थे कि गरीब के लिए इस बजट में क्या है और गरीब का कल्याण किस प्रकार से हो रहा है, शोषित है, वंचित है, उनका किस प्रकार से कल्याण हो रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग सुनना नहीं चाह रहे थे क्योंकि जब वो बात क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, तो अच्छी बातें तो उनको ध्यान में रहती नहीं, जो कमी होती है, कमी नहीं भी होती उसको भी लेकर के आलोचना करते हैं। मेरे को एक कहावत ध्यान है कि कुछ लोग जा रहे थे, एक व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा था, उसका भाव गलत था, उसको समझ में नहीं आ रहा था किस लिए मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, पसीने से लथपथ था। लोगों पत्थर क्यों तोड़ रहे हो, कर मालिक ने कहा इसलिए पत्थर तोड़ रहा हूँ, उसका पता ही नहीं था किस लिए तोड़ रहा है। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो जो दूसरा व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा था, क्यों पत्थर तोड़ रहे हो, उसने कहा कि ऐसा साहब इसलिए पत्थर तोड़ रहा हूँ कि मेरे मालिक ने कहा है और 10 रुपये या 100 रुपये मिल जाएगा, ले जाके भोजन कराऊंगा। उसका भाव थोड़ा अलग था तो थोड़ा खुश था। लेकिन तीसरा व्यक्ति लास्ट में जो मिला, वो एक तुम पत्थर क्यों तोड़ो, वो गुनगुना रहा था, हंस रहा था, एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ चल रहा था। उसने कहा पत्थर इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि यह बगल में मंदिर बन रहा है, यह पत्थर उस मंदिर में लगेगा, मेरा जीवन कल्याण हो जाएगा। ये जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, नए भारत के संकल्प के लिए जो काम हो रहा है, उन कामों की तारीफ करना सुनिए। जब उनकी तारीफ करेंगे तो आपको भी मन को अच्छा लगेगा। नहीं तो क्या, आपने जब 2017 से पहले क्या क्या डिमोनेटाइजेशन के, नोटबंदी के लिए इतना आलोचना किया, उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड में हमारी सरकार बन गई। अभी पिछली बार बजट से पहले इतना आलोचना, झूठी मोटी आलोचना, देश की जनता जानती थी कि आलोचना झूठा कर रहे हैं। और जो चारों राज्यों के चुनाव हुए तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती। यह इसलिए जीती कि मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए, वंचितों के कल्याण के लिए इस बजट में पैसा भी रखे हैं, बजट एलोकेट भी कर रहे हैं और उनके सरोपरि रख करके हितों के काम कर रहे हैं। जनता जानती है। अगर आप फिर ऐसे राज्यसभा में उल्टा सीधा अगर आरोप लगाते रहेंगे ना, तो देश की 130 करोड़ जनता जानती हो हमारे साथ खड़ी है। मानवर तारीफ है करना चाहिए कि कोविड हो, नहीं अभी वहां भी है, कर्नाटक भी आएगा, हिमाचल भी आएगा, सब जीतेंगे, आप चिंता मत रखिएगा। कोविड वन, हाँ वहां भी जीतेंगे, वहां के भी मुख्यमंत्री आपके पूर्व मुख्यमंत्री हिजाब की तुलना वो कह रहे हैं कि जो साधु संत है वो क्या है, गेरुआ कलर का अपमान कर रहे हो। साधु संत सारे साधु संत एक हो गए हैं और वहां से कर्नाटका से कांग्रेस साफ होने वाली, आने दीजिए, चले कोई बात नहीं। मानवर मैं कह रहा था कि कोविड वन आया, वो तो हम देख लेंगे अभी, वो हिजाब को संतों के कपड़े के साथ नहीं तुलना कर सकते। आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने तो संतों के कपड़े के साथ तुलना किया है, वहां सब संत आलोचना कर रहे हैं। चलिए आगे सर, कोविड वन आया, अब बजट इसी पे, फाइनेंस बिल पे ही बता रहा हूँ। कोविड वन आया, कोविड टू आया, कोविड थ्री आया, देश के 32 कंट्री ऐसी थी जो OECD में भी है की रिपोर्ट है, वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में बताया कि इतने संकट के बाद सभी जो देश थे उनके जो फाइनेंशियल पोजीशन थी, उनकी बैलेंस शीट थी, वो डिसबैलेंस हो गया। और 32 कंट्री जो थी उन्होंने टैक्स लगाने का काम किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी सरकार ने कोविड वन, कोविड टू, कोविड थ्री के दौरान भी 1 रुपये का एडिशनल टैक्स बर्डन नहीं लगाया। तो यह इसकी आपको तारीफ करना चाहिए। जर्मनी, फ्रांस से लेकर के यूके, कनाडा, सबने टैक्स लगाया, कोविड टैक्स लिया, यहां 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लगा। यह है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरी बात हम सब बता रहे हैं। दूसरी बात, आप कहते हो कि लोगों की इनकम बढ़ नहीं रही है। अरे आपके समय 2013-14 में जो देश भर में 3,31,00,000 रिटर्न फाइल होते थे और आज के दिन में 2020 में 6.48 करोड़ रिटर्न फाइल हुए हैं, 2022 का जब आंकड़ा आएगा तो 7.5 करोड़, मतलब डबल से भी अधिक लोग इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और वह जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी इनकम 5 लाख से अधिक है साल की,
और 5 लाख से अधिक इनकम है, क्योंकि 2.5 लाख का एग्जेम्पशन होता है और 2.5 से 5 पे कोई टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब उनकी इनकम पर मंथ 40 से 50 हजार अधिक है, ऐसे 7 से 8 करोड़ लोग देश भर में। इसी के अलावा डीमैट अकाउंट देख लो, डीमैट अकाउंट में भी आपके समय 2013-14 में 2.5 करोड़ लोग डीमैट अकाउंट में रजिस्टर्ड थे। आज डीमैट अकाउंट में जो निवेशक है रजिस्टर्ड है उनकी संख्या 10 करोड़ से ऊपर में 4 गुना तक पहुंच चुकी है। तो 8 साल में 4 गुना, आप बोलिए ना, आप बोलिए बोलिए। अभी मैं 70 साल की बात बताऊंगा। फिर इसके बाद टैक्स कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात चिदम्बरम जी भी कह रहे थे कि भाई टैक्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कौन सा रेशियो निकाल रहे थे, हमको समझ भी नहीं आ रहा। 0.1% अधिक, 5% डायरेक्ट टैक्स का जीडीपी से रेशियो अभी का है, और आपके समय जो ये बहुत कम था। और बताओ आपको, आपके समय जो खर्चे होते थे वो करंट अकाउंट में अधिक खर्चे होते थे, करंट एसेट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बहुत कम खर्चे होते थे। आपके समय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टू ओवरऑल एक्सपेंडिचर आपके समय 12% होता था, इसका मतलब कैपिटल एसेट क्रिएशन नहीं होता था। आपके समय के रेवेन्यू पे मतलब खाओ पियो मौज उड़ाओ उस पर खर्च होता था, जो 12% होता था आज के दिन में पिछले बजट में यह 15.91 कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर द करेंट एक्सपेंडिचर ओवरऑल एक्सपेंडिचर हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देश भर में कैपिटल एसेट क्रिएट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो अवश्य रूप से देश आगे बढ़ेगा। यह स्थिति है। और 7.5 लाख करोड़ रुपए अगले साल खर्च होने वाले हैं। यह कोरोना के संकट में, अगर सारे कोरोना के समय में क्या बोल रहे, कोविड के समय में अगर 14 करोड़ 13 करोड़ 63 लाख अभी तक के टैक्स आ गए, तो यह मानना चाहिए कि सरकार के जो पॉलिसी है, रेवेन्यू पॉलिसी है और सरकार की नीति है, उस पे लोग भरोसा कर रहे हैं। यह पाली सरकार है जो समय रहते लोगों को यह सोची कि यहाँ अधिक इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। इसलिए इंडस्ट्री, अगर नई इंडस्ट्री आती है तो 15% लोएस्ट टैक्स इन इंडिया में करने का काम किया, जिससे इन्वेस्टमेंट आता रहे। यह सरकार की सोच है। हमारी जो पॉलिसीज है यह है कि जो भारत में जो वस्तुएं बन सकती है गुड्स, उनको प्रमोट करना, और जो बाहर से जो कैपिटल एसेट्स आते हैं, मशीनरी आती है, उन पे एक साइज कस्टम ड्यूटी कम करना। पहले ऐसा नहीं होता था। इसलिए जो भारत में सामान बन सकते हैं, जिनका एक्सपोर्ट हो सकता है, लगातार बजट में उनमें कस्टम ड्यूटी में घटाने का काम हो रही है, जिससे यहाँ प्रोडक्शन हो, मेक इन इंडिया का प्रोत्साहन मिले, आत्मनिर्भर भारत का प्रोत्साहन मिले। और जो बड़ी मशीनें होती हैं उस पे कस्टम ड्यूटी कम करते हैं, और जो हमारे जो यहाँ के संपत्ति, जो यहाँ छोटे मोटे गुड्स हैं जो यहाँ बन सकते हैं, उसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे यहाँ के गुड्स को प्रमोशन मिले। और इसी का नतीजा है कि कोई सपने में नहीं सोच सकता, आज हमारा जो एक्सपोर्ट है वह $400 बिलियन हुआ है, जो देश के इतिहास में रिकॉर्ड है। पहले से 37% अधिक हुआ है। इसकी तारीफ करना चाहिए, तो इसकी तारीफ लोग करेंगे नहीं। ऑटो पार्ट्स छोटी छोटी जो चीजें हैं जो यहाँ बन सकती है, उसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का काम किया है। और बाकी जो है बड़ी मशीनों का, जैसे मैंने कहा, उसमें रा सिल्क है, सिल्क यार्न है, इन पे लगातार पहले नील होता था कस्टम ड्यूटी, अभी इस पे 10% किया है। इसलिए जिसे कि कार्टन में लगे हुए जो किसान है उनको इसका लाभ मिल सके और यहाँ का उत्पादक उसको प्रोत्साहन कर सके। जो सिल्क यार्न है, इसी फाइनेंस बिल में जो 10% उस पर कस्टम ड्यूटी होता है, 15% कर दिया, जिससे कि यहाँ के जो किसान है, करोड़ों किसान है, उनका उसको लाभ मिले। 33 आइटम ऐसे हैं, 33 आइटम्स इन
2021 where the custom duty it has been increased now. Now the government is planning that there are 350 exemptions. These exemptions will be phased out in minor way so that Make in India and Atmanirbhar Bharat, इसके अंतर्गत हम अधिक से अधिक सामान का उत्पादन कर सके और भारत अपने पैरों पर और तेजी से खड़ा हो सके, इसकी तारीफ करना चाहिए। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहले क्या होता था कि पहले विदेशों से ही आता था, यहाँ बनता नहीं था। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सर मैं आपको बताना चाहूंगा, 2013-14 में तो कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती नहीं थी। 2017-18 में 1300 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है और अभी 2021-22 में 42,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ, मतलब 30 गुना एक्सपोर्ट मोबाइल के क्षेत्र में हुआ है। यह पीएलआई का ही एक देन है, प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम का। डिफेंस के क्षेत्र में 2014-15 में केवल 1141 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था, आज के दिन में डिफेंस का 11,600 करोड़ रुपए, मतलब 6 गुना एक्सपोर्ट हुआ है। यह क्यों हुआ? यह गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण हुआ है, पीएलआई के अंतर्गत उनको प्रोत्साहन देने का काम हुआ है, उसके कारण हुआ है। इनकम टैक्स में अभी बात आई कि कल चिदंबरम जी में बोला 139(8)(a)(140)(b), उन्होंने कहा है कि द इनकम व्हिच हैज बीन ओमिटेड, उसका उसी के लिए क्यों है, जो इनकम जो कम कर सकते हैं उसका भी प्रोविजन इसमें होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, इसमें क्लियरली है एनी इनकम विच हैज बीन ओमिटेड यू कम टू नो दैट दिस इनकम शुड बी इंक्लूडेड। सो देयर इज अमेंडमेंट इन सेक्शन 139(8)(a) and 140(b) दैट फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन 2 years यू कैन रेक्टिफाई योर रिटर्न, यू कैन फाइल। तो अच्छा है, इसको स्वागत करना चाहिए, इसका भी क्रिटिसाइज करते हैं। फेसलेस स्कूटनी का भी क्रिटिसाइज कर रहा है। 144(b) में अमेंडमेंट है कि फेसलेस जो स्कूटनी है उसमें एक आपको मौका दिया जाता है कि इफ एसएससी डिजायर्स दैट माय पर्सनल हियरिंग शुड बी देयर, तो 144(b) में कहा गया यस द एसेसिंग ऑफिसर कैन नॉट डिनाई यस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस योर पर्सनल हियरिंग दैट विल बी डन। तो इसकी भी तारीफ करना चाहिए। कोविड के दौरान जो खर्चे हुए हैं व्यक्तियों की, वो जो परक्यूजिट मान करके उस पर टैक्स लगने की संभावना थी, इस फाइनेंस बिल में कहा गया है इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट, तो वो एग्जेम्प्ट हो गया। और तो और अगर 10 लाख रुपए किसी डिजीज को मिला हुआ उसके रिलेटिव को, तो उस पर भी देयर विल नॉट बी एनी टैक्स। कोऑपरेटिव सेक्टर में हजारों करोड़ों लोग काम करते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में भी टैक्स का जो 18.5 था मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इट हैज बीन रिड्यूस टू 15%। इसलिए बहुत सारे इसमें काम हुए जी। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का डाटा है, इसमें सब कंट्री का देखेंगे कंट्रीज का, तो इसमें इंडिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के बारे में बात कही है। गरीब कल्याण के लिए सब बात हो गई, बट एक ही बात कहना चाहूंगा गरीब कल्याण के लिए, मैं 2 बातों के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना अभिनंदन करना चाहूंगा। आज ही 5 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक साथ गृह प्रवेश दिया है, यह प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके साथ साथ जो अनाज फूड ग्रेन है, उस फूड ग्रेन को भी 6 महीने तक बढ़ाने का काम किया, मुफ्त में दिया जाएगा। इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं। हो गया, कितना समय था, हो गया पंडित जी? 2 मिनट। ठीक है, तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मानव अभी जो एक क्राइसिस आ रहा है इसके संदर्भ में 1 मिनट के लिए मैं आपको बता दूंगा। जब क्राइसिस गल्फ क्राइसिस आई थी तो उस समय स्थिति क्या थी 1991 में, जरा सबको ध्यान हो जाए। उस समय 1991 में जब गल्फ क्राइसिस, जैसे उससे हमारा लेना देना कोई नहीं था, उस समय गल्फ क्राइसिस के समय हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व केवल 10 दिन का होता था। उसके साथ साथ हमारा जो एफडीआई था, एफडी फिजिकल डेफिसिट, वो 8.4 पहुंच गया था, इन्फ्लेशन 16.7% पहुंच गया था, फॉरेक्स लोन
23% हो गया था, हम 10 दिन के लिए भी हमारे पास पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता था, हम सोना गिरवी रखते थे तब जाकर के हमको तेल मिलता था, उस समय एक स्थिति ये थी। और आज की स्थिति यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उससे भी हमें लेना देना कुछ नहीं है, वो यूक्रेन के समय भी या आज के भी अखबार में देखेंगे तो यह रिपोर्टिंग है कि यूक्रेन के वॉर के समय में इंडिया को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया जो है व्हीट एक्सपोर्ट कर सकता है, इटली को एक्सपोर्ट कर, इटली को भेज सकता है, इजिप्ट को भेज सकता है, यूके को भेज सकता है। इसलिए यूक्रेन वॉर के समय भी हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल है, इकोनॉमिक स्थिति भी अच्छी है और आने वाले समय में अवश्य रूप से इन वस्तुओं का बाहर के देश में एक्सपोर्ट करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने का काम करेंगे। यही मुझे आपसे माननीय कहना था और अब चूंकि समय हमारा पूरा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बोलने का मौका, अरे बहुत धन्यवाद डॉक्टर शांतनु सेन। हाँ।